हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज सेफ एंड ब्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने शेयर करने जा रही हूँ इस इंटरेस्टिंग सी यमी सी मिठाई की रेसिपी, जो बहुत ही इजी तरीके से और हम झटपट से घर पे ही बना के तैयार कर सकते हैं। और ये मिठाई दोस्तों बाकी मिठाइयों जैसी बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती है, झटपट से 10 मिनट में आराम से तैयार हो जाती है। और इसे बनाने के लिए हमें कुछ ज़्यादा सामग्री या खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मिठाई आप गेस्ट को एक बार सर्व करेंगे तो वो भी पूछेंगे आपने ये मिठाई किस दुकान से ली। उससे पहले, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं और अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए आज की मिठाई बनाते हैं। आज की मिठाई हमने बना के तैयार की है ब्रेड से। ये है 6 स्लाइस ब्रेड और ये तकरीबन आधा कटोरी चीनी, जिसे हम बाद में पीसेंगे। और ये है कुछ घर की जमा की हुई मलाई और ये है तकरीबन आधा कटोरी नारियल का बुरादा और ये है टैंग। तो ये है मैंगो फ्लेवर टैंग। अगर आपको ऑरेंज फ्लेवर पसंद हो तो आप इसे ऑरेंज फ्लेवर के साथ भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने मैंगो फ्लेवर टैंग लिया है। तो अब हम चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें ब्रेड के साइड वाले पोर्शन को काट के अलग कर लेना है और ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसे हम बाद में ब्रेड क्रम्स बना के दूसरी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, हमें चारों तरफ के कोरियाँ काट के इस तरह से कुछ इसे तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, सारे ब्रेड के टुकड़ों के कोरियाँ मैंने काट के साइड कर ली हैं और हमारे ब्रेड अब हम इस पार्ट का यूज़ करेंगे और ये ब्राउन वाले पार्ट को हम रख देते हैं साइड में, इसे किसी और रेसिपी में हम यूज़ करेंगे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इस बड़े टुकड़े में से हमें 4 जो है स्क्वायर कट कर लेने हैं। ये देखिए, 2 साइड से हम ऐसे कट करेंगे बीच से। तो देखिए, छोटे छोटे स्क्वायर के पीस हमें मिल गए। तो इसी तरह से हमें सारे ब्रेड के पीसेस को 4 पीस में बांट लेना है। तो चलिए, पीसेस हो गए हैं तैयार और हम अब बाकी की तैयारी कर लेते हैं। इसे करने के लिए देखिए, हम चीनी को पीस लेंगे। तो ये देखिए, चीनी को मैंने पीस के ले लिया है और इस चीनी को हम मिलाएंगे मलाई में। तो ये देखिए, इसे मिलाने के लिए मैं एक बड़ी कटोरी ले रही हूँ और इसमें डालूँगी मलाई को। और ये मलाई तकरीबन 3 से 4 दिन की होगी। तो ये देखिए, ये घर की ही मलाई है, आप चाहे तो मार्केट से भी मलाई लेके आ सकते हैं। तो ये देखिए, मलाई में हमने ले लिया है और इसमें डालेंगे जितनी मलाई होगी उतनी ही हम चीनी डालेंगे। मतलब अगर आपने 1 कटोरी मलाई ली है तो उसमें 1 कटोरी ही चीनी जाएगी। तो ये देखिए, दोनों मैंने बराबर अमाउंट में ले लिया है और इसे हम अच्छी तरह से फेंट के एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, मलाई हमारी बिल्कुल भी मोटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से इसे हमें फेंट लेना है। तो ये देखिए, मलाई फेंट ली है हमने। अब इसमें डालेंगे कम से कम 2 से 3 चम्मच नारियल का बुरादा। ये बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है और अगर आपके पास बुरादा ना हो तो आप नारियल को ही कद्दूकस करके इसमें डाल सकते हैं। और ये देखिए, नारियल के बुरादे को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिला देंगे। इससे क्या होगा, ये जितना भी मॉइस्चर होगा ये नारियल का बुरादा उसको सोख लेगा और हमारी मलाई में आएगा बहुत ही अच्छा नारियल का टेस्ट। और ये देखिए, तकरीबन 1 छोटी कटोरी मैंने डाला है ड्राई फ्रूट्स और 1 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर। तो इससे क्या है, इसमें बहुत ही अच्छा इलायची का फ्लेवर आएगा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और 1 कटोरी में मैंने ले लिया है तकरीबन 2 चम्मच टैंग पाउडर। तो और इसमें हम पानी डाल के इसे घोल के रेडी कर लेंगे। और इसका क्या करना है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ब्रेड के जो छोटे स्क्वायर तैयार किए थे उनके ऊपर अच्छी तरह से हमें एक स्पून की मदद से इस मलाई वाले मिक्सचर को, ये देखिए, अच्छी तरह से सेट कर देना है। और उसके बाद इस पे दूसरा टुकड़ा हम ब्रेड का लगा देंगे। ये देखिए, मैं किस तरह से रख रही हूँ।
और इसे जेंटली हल्का सा हमें प्रेस करना है ताकि दोनों टुकड़े आपस में चिपक जाएं। और फिर उसके बाद हमें इसे डिप करना है टैंक वाले पानी में। और इसे अच्छी तरह से टैंक वाले पानी में डिप करने के बाद हम इसे तुरंत ही नारियल के बुरादे में, देखिए इस तरह से हर तरफ से इसमें कोट लगा देंगे। देखिए इस तरह से घुमाएंगे तो नारियल का बुरादा इस पर चिपक जाएगा। और ये देखिए हर तरफ से हमें इसे अच्छी तरह से इसमें लगा देना है। और ये देखिए ये कुछ इस तरह का दिखेगा और हम इसे एक ट्रे में रखते जाएंगे। और ये देखिए थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने रेड वाला फूड कलर इस पर बीच में एक बूंद उंगली से लगाया है ताकि ये देखने में और भी सुंदर लगे। और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। और ये देखिए कितना जल्दी से झटपट बन के तैयार हो गया हमारा मिठाई। और ये देखिए सारे टुकड़ों को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और ये देखिए तो हमारी मिठाई है तैयार और इसमें इतना अच्छा टैंगी मैंगो का फ्लेवर आ रहा है और अंदर है नारियल और इतना अच्छा ये टेस्ट है। और देखने में भी इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा, मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छा। कोई कहेगा कि ये मिठाई हमने ब्रेड से तैयार की है, तो आप भी ये मिठाई की रेसिपी ज़रूर तैयार करिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। तब तक के लिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।